एपिसोड की शुरुआत सोल्जर ट्रेव के कार्गो प्लेन के यूनाइटेड किंगडम में उतरने से होती है। वह उतरते ही बेस कमांडर को ढूंढता है और उसे यूएस में जाने वाले एक प्लेन की मांग करता है। बेस कमांडर उसे हमारे पास तुम्हारे लिए कोई प्लेन नहीं है ऐसे बताते हैं और ट्रेव को बताते हैं कि उनका प्राथमिक उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित रखना है। वह यह भी बताते हैं कि ट्रेव का विमान उस भाग्यशाली लोगों में से एक था जो उन एलियन के हमले से बचकर यहाँ तक पहुँचा होता है। आगे हम देखते हैं कि उस स्कूल में बने रेफ्यूजी कैंप में डॉक्टर डेविड अनिशा को अपने डिवोर्स के बारे में बताते हैं। जासा डायरेक्टर अकिरा के मिज़की को ढूंढते हैं और उन अमेरिकन कोऑपरेशन के ऑफिसर को बताते हैं कि यह ये अकेली है जो होशी 12 स्टल से संपर्क कर सकती है। यह कैस्पर और जमेला कैस्पर के घर पहुँचते हैं और फिर घर में घुसते हैं। उन्हें एक गंदी स्मेल आती है। फिर आगे हम देखते हैं कि कैस्पर की माँ को एलियन ने मार डाला होता है। कैस्पर वही बैठकर रोता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनिशा और डेविड में किस होता है और डेविड उसे बताता है कि तुमने अपनी फैमिली को बचाया। फिर अनिशा उसे बोलती है कि उसने फैमिली को नहीं बल्कि लूक के पास जो पत्थर है उसने बचाया। दूसरी तरफ लूक दूसरे एक छोटे लड़के के साथ मुर्दा घर में जाता है और देखता है कि किस तरह एलियन ने लोगों को मारा है। एक और अहमद और सारा अनिशा और लूक को ढूंढ रहे होते हैं। अमेरिकन कोऑपरेशन के ऑफिसर मिज़की को बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द हमें उस एलियन की लैंग्वेज सीखनी है और उनसे बात करनी होगी और इस काम के लिए हमें होशी 12 स्टल का कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। फिर मिज़की होशी 12 स्टल से कम्युनिकेशन ओपन करती है और अब वो एलियन से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैस्पर और जमेला को देखते हैं जिसमें कैस्पर जमेला की माँ के पास आने की बात करते हैं जो एक हॉस्पिटल में काम करती है, क्योंकि कैस्पर कहता है कि वो उस एलियन से लड़ सकता है और वो उन एलियन को भी रोक सकते हैं। फिर जमेला उसे बोलती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। फिर वो उसे उसकी ड्राइंग दिखाता है और बताता है कि वो उन एलियन को फील कर सकता है और उन एलियन से बात कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है। कैस्पर और जमेला हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक एलियन होता है। आर्मी के लोग उस पर फायरिंग कर रहे होते हैं, तभी वे दोनों एक घर में घुसते हैं। वहाँ सोल्जर ट्रेव से मिलते और उससे हेल्प मांगते, पर सोल्जर ट्रेव उन्हें हेल्प करने से मना कर देता है। तब ये दोनों कैस्पर की ड्राइंग दिखाते और कहते हैं कि कैस्पर इन सबको रोक सकता है, बस हमें हॉस्पिटल ले चलो। फिर सोल्जर ट्रेव उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूक उन लाशों पर जो एक काले कलर का लेयर होता है उसको अपने सिमिलर से दिखने वाले काले पत्थर से रिएक्ट करता है और उस पत्थर के संपर्क में आने के बाद उस लेयर पर हलचल होती दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब जापनीज अमेरिकन लिंग्विस्टिक एलियन की लैंग्वेज जो सुनने में नॉइज़ की तरह होती है उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसे कोई डिकोड या कोई संपर्क नहीं कर पाता। तभी मिज़की सभी फ्रिक्वेंसीज पर अनिता से भेजे हुए फोटोज और वीडियोज कन्वर्ट करके भेज देती है ताकि एलियन को हमारी लैंग्वेज समझ में आए। फिर वो सारी फाइल सेंड कर देती है। थोड़ी देर में रेडियो पर एक सिग्नल आता है जिसमें लगातार वाजो वाजो वर्ड होता है। मिज़की दौड़कर स्टूडियो में जाती है और हेडफोन लगाकर उस ऑडियो को रिप्लाई में बोलती है कि हिनाता, और इसी वर्ड पे इन्वेंशन वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 8 एंड होता है। थैंक यू।